ग्वालियर में पार्वती नदी का पानी बढ़ने से मानपुर डेबे में पिछले 2-3 दिन से फंसे 18 ग्रामीणों का सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने ग्रामीणों का सकुशल रेस्क्यू करने पर सेना का आभार जताया। बात करें ग्वालियर जिले में बाढ़ के बने हालात के बीच तकरीबन 400 ग्रामीणों को सफल रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें करीबन 125 राहत शिविरों में पनाह दी गई है। डूब क्षेत्र में फंसे ग्रामीणों का सकुशल रेस्क्यू करने वाली टीमों में रेवेन्यू पंचायत जनप्रतिनिधियों के सेना की 2 टुकड़ियों का विशेष योगदान रहा। दरअसल पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ग्वालियर जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे और इसी के बाद जिला प्रशासन ने सेना से मदद का अनुरोध किया था। डूब क्षेत्रों में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किए जाने के लिए दो सेना की 2 टुकड़ियों को सहायता ली गई। शुक्रवार को पार्वती नदी के बढ़ते पानी में पवाया पंचायत के मानपुर डेबे में 18 ग्रामीणों के फंसने की सूचना ग्वालियर जिला प्रशासन को मिली थी और इसी के बाद सेना की एक 50 सदस्यीय टीम की मदद से सभी ग्रामीणों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। आज जो रेस्क्यू किए गए हैं और अभी तक की क्या स्थिति है सर, कितने रेस्क्यू किए गए हैं और अगर कोई जानकारी हो क्षेत्र विशेष पे तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए यदि मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे मानपुर का डेरा है तो फिर वहाँ से भी वर्तमान में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और यदि मैं पूरे के पूरे जिले की बात करूँ तो लगभग 350 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सारे के सारे लोगों को रेस्क्यू करके जो अपने जैसे पंचायत भवन सामुदायिक भवन तो फिर इसमें उनको मूलभूत सुविधाएं उनके खाने की उनके पेयजल स्वास्थ्य की ये सारी की सारी सुविधाएं दी गई। रेस्क्यू में हमारे साथ में जो हमारी लोकल की टीम थी पंचायत रेवेन्यू की टीम वो उसके साथ साथ में SDRF NDRF और फिर हम लोगों ने जैसा यहाँ पर सिचुएशन कल शाम तक बना था तो फिर कलेक्टर मैम ने भारतीय सेना को भी यहाँ पर कॉल किया था। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का जो पवाया के मानपुर डेरा का जो रेस्क्यू है वो हमारे भारतीय सेना ने कंडक्ट किया है, इसके लिए मैं भारतीय सेना को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद कर। 9 बजे लगभग हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त आया था कि पवाया गांव है जो कि चारों तरफ से पानी से घिर चुका है और पार्वती नदी का रुख और रफ्तार काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लगभग 9:30 बजे हमने अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया और अभी 12:30-1 बजे तक हमने इसको कंप्लीट किया है। टोटल 15 सिविलियन को हमने पवाया गांव से रेस्क्यू कर पाए हैं। क्या नाम है आप? राकेश रावत। राकेश जी, कौन से गांव में फंसे थे, कितने दिनों से फंसे थे, आज आर्मी ने आपको बचाया, रेस्क्यू किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मानपुर में है जो पवाया पंचायत में लगता है, वहाँ बीच में टप्पू का उधर से भी नदी हो जाती है, उधर से भी नदी हो जाती है, तो यहाँ पे आर्मी वालों ने निकाल लिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कितने लोग फंसे हुए थे, अभी कितने लोग निकाले गए हैं? अभी 4 लोग निकाले गए हैं, अभी 8-10 लोग और रह गए। कितने दिन से फंसे हुए थे आप? वहाँ पे ही रहते हैं, मवेशी वगैरह रहती हैं, तो मतलब फैमिली वगैरह सब रह गए।